But I need to tell you something. हेलो गाइस, वेलकम टू द एजमेडी न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे सोनी कंपनी के बारे में। तो सोनी कंपनी काफी डिफरेंट टाइप की मूवी अनाउंस कर रहा है। अभी हाल ही में उसने अनाउंस करा है कि वो सेल के ऊपर सोलो मूवी बनाएगा। इस सोलो मूवी काफी डिफरेंट होने वाली है। अब डिफरेंट का मींस, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस मूवी में स्पाइडरमैन नहीं होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, इस मूवी में स्पाइडरमैन नहीं होगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट, वेनम मूवी में भी स्पाइडरमैन नहीं है, सिल्वर एंड ब्लैक मूवी में भी स्पाइडरमैन नहीं है। तो सोनी एक्चुअल में करना क्या चाहता है और वो बिना स्पाइडरमैन के ये सारे कैरेक्टरों को लॉन्च कर रहा है, इनके ऊपर सोलो मूवी बना रहा है। क्या आपको लगता है ये मूवी सारी हिट जाएंगी? क्योंकि वेनम का जब पहला टीजर लॉन्च हुआ था वो ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था। उसके बाद स्पाइडरमैन होमकमिंग में कुछ रेफरेंसेस मिले थे कि जिसमें सिल्क आ सकती है, बट नहीं हुआ। क्योंकि अब सोनी कंपनी ने अनाउंस कर दिया तो सिल्क का तो कहीं नाम ही नहीं है दूर दूर तक। मुझे लगता है कि सोनी अपना यूनिवर्स बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है, बट बिना स्पाइडरमैन के फैंस इन्हें पसंद नहीं करेंगे। मेरा मानना तो ये है। आपका क्या कहना मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और सिल की ये मूवी कैसी होगी इस चीज के भी लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे या तो उस पर मैन थिंग के हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।